कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी और आप देख रहे हैं कारवां टीवी। खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आम आदमी से मैं कहना चाहती हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को समझो, इससे निजात दिलाने के लिए केवल आपके हक की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है और कोई नहीं लड़ रहा है। सभी पार्टियां केवल अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए है, जब तक लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं निकलता है। जब पहले कहते थे कि दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, लेकिन उस छोटे प्रदेश की जो आय है वो भी छोटी है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 3 बार सरकार बनने पर पूरी 200 यूनिट बिजली फ्री दी है। उसके बाद उनके पास पंजाब की सरकार आई, पंजाब के लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर पंजाब में सरकार बनाई, 300 यूनिट की गारंटी दी थी अरविंद केजरीवाल ने, उस 300 यूनिट की गारंटी को तुरंत तत्काल पूरा करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। आज योगी सरकार इस बात का जवाब दे कि जब एक सरकार कर सकती है तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर सकती है, इस बात का लिखित जवाब जनता को दे कि हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि योगी सरकार दलाली में लिप्त है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज ये जनता की आवाज़ उठाई जा रही है, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इलेक्शन के समय यूपी की जनता से वादा किया था कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी व बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। तो अब उस वादे से माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से मुकर चुके हैं और ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है कि 23% जो दाम है वो बिजली के बढ़ाए जा रहे हैं और उसके अलावा बिजली के बिलों में जनता से कई करोड़ की अवैध वसूली की गई है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में कर चुकी है। उसके बाद आज जिला मुख्यालय में पूरे उत्तर प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके पश्चात ये धरना प्रदर्शन तहसीलों में होगा। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि बहुत ईमानदार सरकार है भाजपा सरकार, तो आपने कहा था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, तो आज ये 23% दाम बढ़ाने की बात कहाँ से आ गई है? योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं, क्यों दाम बढ़ा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और आज जनता की आवाज जो उठाने के लिए विपक्ष में केवल और केवल आम आदमी पार्टी जनता के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हुई है। ये जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए, कब तक ये अगर नहीं होता तो कब तक ये प्रदर्शन? देखिए, आम आदमी पार्टी मैदान में है और जनता की लड़ाई लड़ती आ रही है। हम जब तक योगी आदित्यनाथ जी इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये जिला मुख्यालयों से निकलकर तहसील और वार्डों तक रहेगा। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।